आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती इलाके में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस तूफान की वजह से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति पैदा हो सकती है, सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है और कच्ची सड़कों को नुकसान पहुंच सकता है। लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण ओडिशा के जिलों में भी 3 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि चक्रवाती तूफान का कम दबाव अब अंडमान सागर में बना हुआ है। केंद्रपाड़ा, कटक, खुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, रायगढ़ और कोरापुट जिलों में शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा में बारिश की तीव्रता शनिवार से बढ़ेगी क्योंकि तटीय जिलों और आंतरिक जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 4 दिसंबर शनिवार की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराने की संभावना है। वहीं इस कम दबाव के कारण ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी और अति भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने गजपति, गंजम, पुरी और जगतसिंहपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।